विधानसभा निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के दौरान थाना कोतवाली पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी। रंगदारी दिखाते हुए व्यापारी से 5,000 रुपए की मांग करने वाले आदतन अपराधी से कोतवाली पुलिस ने अवैध देसी कट्टा एवं कारतूस जब्त कर आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत अमित सांगी पुलिस अधीक्षक छतरपुर के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर प्रभावी कार्रवाई करने एवं आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। दिनांक 3 नवंबर को फरियादी उम्र 48 वर्ष निवासी हनुमान टोरिया के पीछे छतरपुर ने रिपोर्ट लेकर आई थी कि वह किराना की दुकान संचालित किए हैं। दिनांक 2 नवंबर की रात्रि में आरोपी निवासी बालाजी ब्रह्म छतरपुर के द्वारा अपने हाथ में कट्टा लेकर उसकी दुकान पर आकर रंगदारी दिखाते हुए 5,000 रुपये की मांग की गई। व्यापारी के द्वारा पैसा ना देने पर उसकी दुकान जला देने की धमकी देकर उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली छतरपुर में अपराध क्रमांक 830/23 धारा 294, 323, 327, 506 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित सांगी के निर्देशन में विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छतरपुर एवं अमन मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर के मार्गदर्शन में निरीक्षक अरविंद कुमार कुजूर थाना प्रभारी कोतवाली छतरपुर के द्वारा गठित कोतवाली पुलिस टीम ने बीट भ्रमण के दौरान दिनांक 3 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर बालाजीपुरम छतरपुर में आरोपी उम्र 35 वर्ष निवासी बालाजीपुरम छतरपुर के द्वारा अवैध रूप से 1.315 बोर का देसी कट्टा एवं 1.315 बोर का जिंदा कारतूस कीमती करीबन 6,150 रुपए के लिए हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर उक्त कट्टा एवं कारतूस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली छतरपुर में अपराध क्रमांक 833/23 धारा 25/27 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया है। आदतन अपराधी उम्र 32 वर्ष निवासी बालाजीपुरम छतरपुर का कई वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जिसके विरुद्ध सभी प्रकार के संगीन अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय विचाराधीन है। उक्त अपराधी वर्ष 2018 से हत्या के केस में बंद था, जो इसी वर्ष माह सितंबर से जेल से रिहा हुआ है। उक्त आदतन अपराधी के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षक अरविंद कुमार कुजूर थाना प्रभारी कोतवाली छतरपुर, उप निरीक्षक प्रमोद रोहित, प्रधान आरक्षक राजेश पाठक, पवन कुमार आरक्षक, आनंद पटेल, रूपेश सूत्रकार, अजय मिश्रा एवं प्रधान आरक्षक चालक अशोक तिवारी के द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान आरोपी के कब्जे से बिना लाइसेंसी हथियार कट्टा एवं कारतूस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए प्रियव्रत गुप्ता की रिपोर्ट।